दोस्त, तो मैं हूँ दीपांजन। मैं आ गया मेरा नेक्स्ट वीडियो लेके। आज मैं फिर से आया हूँ कोलकाता कार बाजार में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है ईएम बाईपास वाला ब्रांच। पहले जब वीडियो किया था वो था सॉल्ट लेक वाला ब्रांच में। इतना अच्छा आप लोगों का रिस्पांस था, बहुत ही अच्छा अच्छा गाड़ी भी देखे थे। तो मैं फिर से आ गया हूँ कोलकाता कार बाजार में। आज जो ईएम बाईपास वाला ब्रांच में है, बहुत सारा गाड़ी है, 25-30 प्लस गाड़ी है। इतना गाड़ी मतलब दिखा पाना है एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है, बट 20 गाड़ी आप लोग इसी वीडियो में आप देख पाएंगे। बहुत सारा प्राइस रेंज में, हैचबैक से लेके एसयूवी, प्रीमियम कार। जैसे कि अभी ये वाला जगह खाली है, इसमें एक ऑडी A6 और एक रेंज रोवर भी आने वाला है बहुत जल्दी, वो लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे। उससे पहले बुला लेते हैं कोलकाता कार बाजार से देबू को। देबू, वेलकम। हाय। तो ये कोलकाता कार बाजार के बारे में कुछ बोलिए। देखिए, मेरा नाम देबू है। हम कोलकाता कार बाजार को रिप्रेजेंट करते हैं अपना 3 शोरूम है, ठीक है। एक है बैरकपुर में है, और एक है विधान नगर कॉलेज के अपोजिट साइड में है, और एक है ईएम बाईपास जो ठीक साइंस सिटी के बाद वाला स्टॉपेज है, उत्तर 95 संजा चोला रेस्टोरेंट के अपोजिट साइड में अपना है कोलकाता कार बाजार। और अपने कोलकाता कार बाजार जो ईएम बाईपास में है उसमें सीएट का भी है, अलाय कार टायर अलाइनमेंट वगैरह होता है इधर। गाइस देखो, अपने पास 1 लाख से लेके 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक कार है। एसयूवी, एमयूवी सब कुछ पड़ा हुआ है। आप आइए, विजिट कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ट्राई करेंगे आपको वो सोर्स करने के लिए। आप आइए, विजिट कीजिए। ओके, तो चलिए बहुत सारा गाड़ी देख लें, 20 गाड़ी देखना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देबू, चलते हैं। तो स्विफ्ट देख लेते हैं। ये है स्विफ्ट 2013, और ये स्विफ्ट डिजायर है 2013 का मॉडल है। इसका टैक्स पेड किया हुआ है 2023 फरवरी, और इसका इंश्योरेंस जो है 2022 तक वैलिड है। तो 13 का VDI है। VDI है, डीजल वेरिएंट कार है। तो VDI है मतलब पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सब कुछ तो मिल ही जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा। और माइलेज कितना होगा? देखो, डीजल में माइलेज अच्छा ही मिलता है, उसके ऊपर स्विफ्ट। हाँ, उसके ऊपर स्विफ्ट डिजायर 20 के ऊपर मान लो। तो 20 के ऊपर माइलेज मिलने वाला गाड़ी, 13 का गाड़ी, 23 तक इसका टैक्स भी होने वाला है। कंडीशन तो आप देख ही पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। तो इसका और डॉक्टर डिवेन भी कार है, डॉक्टर डिवेन कार है, 47,000 किलोमीटर चला हुआ है। तो इसका एक बार प्राइस बोल दो। इसका प्राइस है 379। स्विफ्ट डिजायर बहुत ही कम्पेटिटिव प्राइस है, 13 का गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर, फर्स्ट ओनर गाड़ी, डॉक्टर ड्रिवन कार। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे, चलते हैं रेड कलर i20 है। ये जो है 2012 का गाड़ी है, 22 तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है, और एकदम न्यू शेप में है ये, एकदम न्यू है, ओरिजिनल पेंट के साथ आएगा। गाइज, इसका खाली किलोमीटर 22,000 किलोमीटर गाइज चला हुआ है। इसका सर्विस हिस्ट्री भी अवेलेबल है, एकदम वेल मेंटेन कार है। तो स्पोर्ट्स पेट्रोल i20 12 का गाड़ी, 22 का टैक्स है इसका, टैक्स है, और इसका प्राइस रखा हुआ है 289। तो कोलकाता कार बाजार मतलब क्वालिटी के लिए जाना जाता है, एकदम क्वालिटी। हम लोग फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर। कोलकाता कार बाजार का एक रेपुटेशन है, उसको तो तोड़ नहीं सकते ना हम लोग। तो जो भी गाड़ी है एकदम ओरिजिनल पेंट के साथ है। आप देखो ना, गाड़ी को एक बार देखो, पूरा एकदम न्यू कंडीशन में लगेगा। एक बार विजिट कीजिए, फील कीजिए, मैं आपको बोलूँगा एक बार फील कीजिए, उसके बाद आपको सही में मजा आएगा। जैसा कि कोलकाता कार बाजार सॉल्ट लेक वाला ब्रांच में जब मैं गया था, वो लास्ट वीडियो जब किया था, कंडीशन बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बियॉन्ड कार नहीं लगता, जैसे फर्स्ट हैंड कार होता है, शोरूम से निकला हुआ कार वैसा ही लगता है। ऐसी मतलब मेंटेन करके आप लोग रखते हैं, और कुछ अगर काम मतलब करने का जरूरत है तो वो आप करके ही देते हैं। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है, मेंटेन तो करते ही है, और जो भी गाड़ी हम लोग खरीदते हैं, लेते हैं, ओएलएक से परचेस करते, वो देख के करते, क्योंकि हम लोग जो भी है गाड़ी के कंडीशन के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये सब प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल तो? हाँ, थोड़ा आप आइए, ऑन द टेबल बैठ के बात करेंगे। ओके, तो i20 देख लिए, स्विफ्ट डिजायर देख लिए, चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे। तो नेक्स्ट गाड़ी पे चलते हैं, i20 एलिट है, बहुत ही प्यारा कलर में, ब्लू कलर में। जैसे मेरा भी एक i20 एलिट है, बिल्कुल सेम टू सेम। 2000 इसका 2015 का गाड़ी है। ओके, 25 तक टैक्स है। 25 तक टैक्स है, मैग्ना है, चारों पावर विंडो आएगा, पावर स्टेयरिंग के साथ मिलेगा, वेल मेंटेन कार है, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है, सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये भी एकदम ओरिजिनल पेन में ही लग रहा है, फर्स्ट ओनर गाड़ी होने वाला है। और इसका प्राइस? इसका प्राइस है 469। गाइस, ओनली 469 प्राइस रखा हुआ है। तो मतलब ऑलमोस्ट 4.5 की रेंज में मिल रहा है एक i20 एलीट, 15 गाड़ी, 25 तक टैक्स, जिसका फर्स्ट हैंड प्राइस तो अराउंड 7 लाख के आसपास होता है। तो 4,50,000, 69,000 में मिल रहा है।
i20 Elite. Elite Magna. तो नेक्स्ट वाला गाड़ी भी आ जाता है i20 के बगल वाला गाड़ी होंडा सिविक 2011 का गाड़ी है 26 तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है ये भी कम चला हुआ है कार है 50,000 अराउंड चला हुआ है बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है पेट्रोल है कि डीजल है पेट्रोल कार है और ये फुल्ली लोडेड है इसको इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा मतलब एकदम टॉप मॉडल है एलॉय व्हील है क्रूज कंट्रोल है कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम के साथ चारों पावर विंडो आएगा पावर स्टेयरिंग एयरबैग दो एयरबैग है सब कुछ फुल्ली लोडेड कार है और सिल्वर कलर में बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है सिविक में मिल जाता है ये टॉप मॉडल आएगा और इसका प्राइस प्राइस है 279 सिविक 11 का गाड़ी 21 तक टैक्स 26 तक टैक्स रखा हुआ है इसका 26 तक ऑलरेडी टैक्स पे है तो 4-5 साल चिंता करने का कोई बात नहीं है तो आसानी से ले जा सकते हैं 279 इसका आस्किंग प्राइस है आके जरूर नेगोशिएट कर लीजिए मेरा चैनल का नाम जरूर लीजिए तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो हो ही जाएगा तो चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी शेवरोले स्पार्क छोटा गाड़ी बहुत लोगों का पसंद है शेवरोले स्पार्क दिखने में तो एकदम कमाल का लग रहा है कौन से ईयर का है 2010 का गाड़ी है 25 तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है और LT है कि LS मॉडल है ये LS मॉडल आएगा ठीक है पावर स्टीयरिंग पावर विंडो एयरबैग्स आता है क्या ना इसमें एयरबैग्स नहीं है और एकदम ओरिजिनल पेंट के साथ आएगा और ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी फर्स्ट ओनर का अपने पास जितने भी कार है सब फर्स्ट ओनर कार है और ये टायर कंडीशन कैसा होगा टायर कंडीशन देखो गाइस 99% गाड़ी में टायर न्यू आएगा और बैटरी भी न्यू आएगा आपको मतलब कोई भी मतलब काम करने का जरूरत हो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ये लोग करवा के रखते हैं बाहर जाके काम करने का कोई दिक्कत नहीं है और एकदम पूरा वेल मेंटेन कार रहेगा और एक गाइस एक चीज बोलना मैं भूल गया हम लोग गाड़ी में वारंटी देते हैं इंजन और गियर बॉक्स में 6 मंथ की वारंटी आपको प्रोवाइड करेंगे हम मतलब कुछ भी इंजन में अगर प्रॉब्लम आता है या गियर बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग ठीक करवा देते हैं हां ठीक करवा देते हैं 6 महीने की वारंटी के साथ मिलेगा आपको बहुत ही बढ़िया तो इसका स्पार्क का प्राइस कितना होने वाला 130 में मिल रहा है स्पार्क 25 तक टैक्स के साथ 25 तक टैक्स के साथ 2010 का गाड़ी है नेक्स्ट गाड़ी पे चलते हैं जो कि होने वाला है इग्निस ये है इग्निस मतलब उतना सेकेंड हैंड कार मार्केट में दिखता नहीं है स्विफ्ट जैसा ही मतलब माइलेज देता है और कॉम्पैक्ट एकदम हैचबैक गाड़ी है बहुत लोगों का पसंद भी है तो हैचबैक पुश स्टार्ट के साथ आएगा दो एयरबैग आएगा और ये एलॉय व्हील के साथ है फुल्ली लोडेड कार है ये अल्फा मॉडल है अल्फा टॉप मॉडल 2017 का है 2017 का तो 22 तक इसका टैक्स है और एकदम रेड कलर में चमचमाता हुआ गाड़ी और आप लोग मतलब देने से पहले तो एक बार पॉलिश तो करके देंगे डेफिनेटली आपके सामने ही पॉलिश करके हम लोग देंगे और ये खाली 35,000 किलोमीटर चला हुआ है आप गाड़ी को देखोगे ना एकदम न्यू कंडीशन में लेडी ड्रिवन कार है बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ कार है तो 17 का गाड़ी इग्निस जो कि लगभग 5.5-6 लाख रुपए के ऊपर आसपास इसका प्राइस होता है फर्स्ट हैंड में तो आज कोलकाता कार बाजार से कितने में मिल जाएगा ये 480 में मिलेगा ओनली 480 में मिल जाएगा 17 का गाड़ी 22 तक टैक्स चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे नेक्स्ट गाड़ी पे चलते हैं और एक छोटा हैचबैक कॉम्पैक्ट हैचबैक जो कि होने वाला है ब्रायो ब्रायो है 2012 का गाड़ी है 2022 तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है पेट्रोल है एमटी मॉडल है एसएमटी मॉडल है 2012 का गाड़ी है और इसमें माइलेज भी ठीक ठाक अच्छा ही होता है माइलेज अब मान लो 13-14 के ऊपर ही मिलेगा आपको ठीक है ना 13-14 तो आपको मिल ही जाएगा ओके तो इसका क्या प्राइस होने वाला है 229 प्राइस रखा हुआ है इसका 229 में मिला है ब्रायो 12 का 22 तक टैक्स है एसएमटी वेरिएंट है पसंद आ रहा है तो दिया हुआ नंबर पे जरूर कॉल कर लीजिए तो आज कैमरे के पीछे शुभदीप बहुत दिन बाद मेरा फ्रेंड आया है वीडियो करने के लिए तो शुभदीप को थैंक यू तो ये है स्विफ्ट VXI मॉडल है 2011 का है 26 तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है खाली आपको 249 में मिलेगा 249 में स्विफ्ट 11 का गाड़ी और ये VXI मॉडल है और इंटीरियर भी तो आप लोग देख पा रहे हैं म्यूजिक सिस्टम से लेकर स्टार्ट करके सीट कवर एयरबैग शायद ये वाले मॉडल में नहीं रहता है इसमें नहीं पर नहीं बाकी सब फीचर्स इसमें अवेलेबल है और माइलेज तो मिलने वाला है 15 तो स्विफ्ट का प्राइस है 2.5 लाख जरूर देख सकते हैं 26 तक इसका टैक्स है चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे चलते हैं क्विड हाई डिमांड गाड़ी क्विड और ये क्या क्लाइंबर है कि नॉर्मल मॉडल है ये RXT मॉडल है RXT मतलब टॉप वेरिएंट होता है टॉप वेरिएंट है ठीक है इसमें माइलेज ज़्यादा मिलेगा आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है इसलिए कस्टमर ये ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अभी बहुत अच्छा एकदम वेल मेंटेन कार है आपको फ्रंट में पावर स्टेयरिंग पावर विंडो फ्रंट में मिलेगा आपको ठीक है एकदम कम चला हुआ है ओनली
42,000 किलोमीटर चला हुआ है। और क्विड में मतलब टस्किन वगैरह और लुक्स जो है इंटीरियर हो मतलब एक्सटीरियर का हो बहुत ही एग्रेसिव होता है, इसलिए यंगस्टर्स लोगों का भी बहुत पसंद होता है क्विड। ये है ग्रे कलर में 2016 मॉडल है। 16 मॉडल है तो 21 तक टैक्स है। 2021 अगस्त तक इसका टैक्स। ओके, और भी मतलब 4-5 महीना इसका टैक्स वैलिड है, तो इसका क्या प्राइस हो जाएगा? 249 ओनली। 249 में क्विड 16 का गाड़ी 21 अगस्त तक टैक्स है, 2.5 लाख रुपए प्राइस है। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे। तो नेक्स्ट गाड़ी पे चलते हैं, होंडा सिटी एग्जेक्ट मॉडल पेट्रोल 2008 का मॉडल है, 2023 तक इसका टैक्स पेड करके रखा हुआ है। और ये मॉडल मतलब सब कुछ फीचर्स इसमें अवेलेबल है? फीचर्स है इसमें, आपको पावर स्टीयरिंग पावर विंडो आएगा। और कितना किलोमीटर चला होगा? 35,000 किलोमीटर अराउंड किलोमीटर चला हुआ है ये। और जैसा कि आप लोग जानते हैं होंडा सिटी 2008 वाला मॉडल एग्जेट, उसके ऊपर प्राइस क्या हो जाएगा? धमाकेदार एकदम पटाखा 159 ओनली। 159 में मिल जाएगा होंडा सिटी 2008 मॉडल का 23 तक टैक्स। बहुत ही बढ़िया है, इंटीरियर भी आप लोग देख लिए। चलते हैं इस वाले i20 में। i20 ये पहले एक i20 देखे थे रेड कलर में, वो मैग्ना था, अभी ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स है ये, स्पोर्ट्स है, 2012 का है, 22 तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम के साथ आएगा, सारे आपको पावर स्टीयरिंग पावर विंडो सब कुछ मिल जाएगा आपको। और ये एकदम ऑयल, अब देखो गाइस एक बार गाड़ी को देखो, एकदम लुक देखो खाली गाड़ी का, एकदम ओरिजिनल पेंट के साथ है। देखो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, गाड़ी तो आप देख रहे हो ठीक है, एक बार आओ, अदरवाइज यू विल बी डिप्राइव फ्रॉम द गुड थिंग। प्लीज़ एक बार विजिट करो। मतलब कोई भी मतलब गाड़ी का किसी का भी रिक्वायरमेंट हो तो इधर तो जैसे बहुत सारा गाड़ी होता है, तो वो ऑप्शन में आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगा। और इधर आके एक बार आप लोग गाड़ी देख सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, अगर पसंद आए तो ज़रूर नेगोशिएट करके। हाँ, ऑन द टेबल बैठ के हम लोग करेंगे, आप आओ गाड़ी को फील करो, देखो, टेस्ट ड्राइव लो। तो वही सजेस्ट करूंगा। क्या हो जाएगा? 289। ये एक देखे थे मैग्ना मॉडल, ये है स्पोर्ट्स मॉडल, दोनों का ही ऑप्शन है, दोनों का ही प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो गाइज हम लोग कोशिश करेंगे आपको जो चाहिए वो देने के लिए, आप आओ, रिक्वायरमेंट बताओ, हम लोग ऑब्वियसली हम लोग को फुलफिल करने की ट्राई करेंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया है। तो ये ₹2,000 ये इंजन बहुत ही पावरफुल है, हरना का इंजन बहुत ही जबरदस्त है। अभी आगे शोरूम के अंदर एसी में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बाहर वाला गाड़ी सब कुछ देख लिए, अभी डेटसन गो देखेंगे। इसका डेटसन रेडी गो 2017 का गाड़ी है, 22 तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग पावर विंडो फ्रंट पे मिल जाएगा, आपको एकदम वेल मेंटेन कार मिलेगा आपको। और एकदम टायर कंडीशन भी देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, न्यू है। और इंटीरियर तो कमाल का है, आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो इसका एक बार प्राइस बोल दो। 2017 का गाड़ी है, 2017 का गाड़ी, 229 प्राइस ओनली। 229 में मिल जाएगा डेटसन रेडिगो। रेडिगो इसके बाद दो दो बेलेनो का ऑप्शन है आज। तो बेलेनो एकदम नया, कौन से साल का है? 2020 का है, मतलब एक साल पुराना गाड़ी है। एक साल पुराना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 4000 किलोमीटर चला हुआ है, तो कैसे बोलोगे, एकदम ब्रांड न्यू कार है। ब्रांड न्यू कार मतलब एकदम शोरूम कंडीशन एग्जैक्टली इस गाड़ी के लिए बोल सकते हैं। आप लोग भी देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा कंडीशन में है। तो इस गाड़ी का मतलब 2020 मतलब 25 तक इसका टैक्स है, 23 तक इसका इंश्योरेंस वैलिड है। 23 तक भी इंश्योरेंस वैलिड होता ही है 3 साल तक।
और इसका सीट कवर ये सब देख पा रहे एकदम नया जैसा, एकदम ब्रांड न्यू हो, मतलब सिर्फ उठाया हुआ जैसे है। क्या क्या है, शोरूम से निकला हुआ है, बस आ गया अपने पास, अपने पास आ गया। तो ये सेकंड हैंड प्राइस में मिल जाएगा, फर्स्ट हैंड वाला गाड़ी कितना प्राइस में? 689। और ये मॉडल क्या हो जाएगा, अल्फा टॉप मॉडल? नहीं, ये जेटा है, ये जेटा है, बीच वाला मॉडल है, पर सब कुछ मतलब सब कुछ है, अलॉय व्हील है, पुश स्टार्ट कार है, कंपनी फिटेड टच स्क्रीन के साथ है, एयर बैग आएगा, पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग एकदम न्यू है, पूरा न्यू है पूरा। और एक बेलेनो इधर है, ये कौन से साल का है? 2019 का, ये भी ब्रांड न्यू है, खाली 16,000 किलोमीटर चला हुआ है। ओके, ये भी मतलब पेट्रोल में अल्फा वेरिएंट, जेटा जेटा जेटा, हाँ, इसमें भी अलॉय व्हील है, सारे फीचर्स दिया हुआ है, पुश स्टार्ट है, पूरी फुल्ली लोडेड कार है। ओके, तो इसका क्या प्राइस हो जाएगा? इसका है 649। 649 और 689 में 2020 का गाड़ी, ये है 19 का गाड़ी है, इसका टैक्स होगा 24। तो ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी, तो दो ही गाड़ी है बेलेनो का ऑप्शन शोरूम कंडीशन में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इधर आने वाला था रेंज रोवर और एक ऑडी A6। पहले रेंज रोवर से स्टार्ट करते हैं, प्रीमियम सेगमेंट का कार है, रेंज रोवर के बारे में और क्या ज़्यादा बोले, तो इसका डिटेल्स थोड़ा जान लेते हैं। 2012 का गाड़ी है, 22 तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है। ये गाड़ी का मॉडल है इवॉक प्रेस्टीज HD4 मॉडल है, ठीक है, टॉप मॉडल है, इसमें सारे सारे फीचर्स तो है ही, आपको तो पता है ये प्रीमियम सेगमेंट कार है, जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है। और डीजल है कि पेट्रोल है? डीजल, डीजल कार है ये, डीजल कार है और फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर है। ओके, तो ये वाला व्हाइट कलर ओरिजिनल पेंट में रेंज रोवर कितना किलोमीटर चला होगा? ये 47,000 किलोमीटर चला होगा, 47,000 ओनली किलोमीटर, इवन टायर कंडीशन भी अच्छा है, एकदम न्यू कंडीशन है। तो इसका जैसे मुझे जितना पता है फर्स्ट हैंड, तो मतलब 55-60 लाख के अराउंड इसका प्राइस होने वाला है। तो आज ये कोलकाता कार बाजार से कितने में मिल जाएगा? गाइस एकदम धमाका है, खाली 19,90,000 में मिलेगा आपको, पूरा धमाका है, नववर्ष स्पेशल धमाका, 19,90,000 में मिल जाएगा रेंज रोवर इवोक टॉप मॉडल इंजन। और एक चीज है, सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल है इसका, ठीक है ना, सब कुछ आपको मिलेगा।